गुड आफ्टरनून, आई एम प्रियंका एंड आई एम हुमा, और आज हम लोग आए हैं वेल एंड गोल्ड स्मिथ स्कूल। आज है इकोनॉमिक्स पेपर, बोर्ड्स चल रहे हैं, तो आज ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है एंड हम लोग फिर आज देखेंगे, बच्चों लोग से बात करेंगे कि उन लोग का पेपर कैसा जा रहा है एंड पेरेंट्स लोग से भी बात करेंगे कि वो लोग का क्या व्यू पॉइंट है, कैसा वो लोग हेल्प कर रहे हैं प्रिपरेशन एंड ऑल में। सो लेट्स सी, कीप वॉचिंग। हेलो, हम लोग बात कर रहे हैं सर, आपका नाम? राजेश कुमार जायसवाल। अच्छा, आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है आज? वागीसा जायसवाल, क्लास। ओके ओके, तो आप मतलब बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसा प्रिपरेशन है उसका घर पे? प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, भी अच्छा है। अच्छा, अच्छा, फिर भी कितना अप्रोक्सीमेटली मार्क्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ऑलमोस्ट नियर अबाउट 90। ओके 90, और अगर 19-20 कम हुआ इससे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कम मार्क्स से कॉलेज में प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे आजकल का कॉलेज जैसे है, मार्क्स वगैरह पे बहुत डिपेंड करता है, तो कॉलेज भी डिपेंड करता है, सो इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? तो वरीड है और ठीक है? नहीं, वरीड नहीं है, वो अच्छा करेगी। अच्छा, चलिए देखते हैं। ओके ओके, और मतलब क्या आप अपने बच्चे को क्या बोलना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि फ्री माइंड में एग्जाम दो या फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली एग्जाम देना है, मतलब देना ही है? फ्री माइंड में एग्जाम दो, कोई टेंशन नहीं लेना, जो भी मार्क्स है। ओके, तो हम लोग जिनसे बात किए बहुत पॉजिटिव माइंड के हैं एंड हम लोग को पता चला देन ठीक है, माइंड फ्री माइंड में एग्जाम दो, कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसे। हाय, आपका नाम? सिमरन खान। अच्छा, आप किसको लेने आई है? अपनी सिस्टर को। सिस्टर को लेने आई है, तो घर में पढ़ाई कैसा चल रहा है उसका, मतलब पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है, सुबह रात तक पढ़ ही रही है आजकल तो, मोस्टली बोर्ड इम्पोर्टेंट है तो पढ़ी रही है, उसका प्रिपरेशन हो ही रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, एवरेज हो, क्या लग रहा है? अच्छा ही मार्क्स आएगा, बहुत अच्छा भी नहीं बट अच्छा ही मार्क्स आएगा। ओके, अच्छा, घर में पेरेंट्स का कुछ प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं तुमको ऐसा ही लाना है क्योंकि कॉलेज का सवाल है या कुछ ऐसा कुछ है, या फिर नॉर्मली चल रहा है कि हाँ एग्जाम दो तुम्हारा ऊपर है? नहीं, इतना प्रेशर नहीं है बट ये है कि अच्छा मार्क्स लाना है, पर उतना प्रेशर नहीं है कि कॉलेज। ओके, तो अगेन एन पॉजिटिव थिंग आ गया कि ठीक है, आप लोग बहुत मोटिवेट करके बच्चों लोग को कर रहे, सो थैंक यू। माय नेम आफरीन बानो। सो योर सिस्टर इज हियर? या, कजन। तो उनकी घर पे पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत प्रेशर है। बहुत प्रेशर है। घर से भी प्रेशर है? घर से प्रेशर नहीं है, प्रेशर अपने आप बच्चों में आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस, यू नो। तो उसके बाद आप उन लोगों को उनको कैसे मोटिवेट करते हो? सी, आई टेल हर दैट सिंस आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई टेल हर कि देखो 12 जो है, 12 का मार्क्स इट्स ओके, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू आर गेनिंग आउट ऑफ द एजुकेशन। लाइक लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, एग्जाम में मार्क्स आना चाहिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू देम, एटलीस्ट एट दिस एज। What happens is that when you grow up, you realize कि आगे जाके आपके skills matter करते हैं, your personality matters, which school does not help you develop to some extent, I feel like, you know, top students get there and those students who are not so good in studies do not understand कि क्या करना है। So I tell her, listen, first learn, अपना personality develop करो, जो पढ़ रही हो उसको समझो, what you're studying, your boards are important to get you in a college, but even if you don't get enough like good marks according to what people expect, you will make it out somewhere in the world. It depends on what you are gaining from what you are studying. That's how I encourage. So that's really nice. So ऐसा नहीं, अब marks अच्छा नहीं आए तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि college में admission ना हो, तो उसके लिए कोई pressure नहीं है? देखिए, marks जो है, I don't know about others, but मैंने ये चीज़ देखा है कि ISC में अगर आप थोड़ा ज़्यादा अगर काम करते हो, इन द सेंस अगर मेहनत करते हो एंड यू राइट, यू अटेम्प्ट आंसर्स, यू विल गेट मार्क्स। जहाँ तक कॉलेज के एडमिशन्स का बात है, एडमिशन्स तुम जहाँ पे भी लो, एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू स्टडी प्रॉपरली, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग फ्रॉम यू नो नॉट सो गुड कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू अदर्स एंड दे आर एक्सेलिंग इन लाइफ, दे आर डूइंग व्हाट दे वॉन्ट टू, एट द एंड ऑफ द डे their creativity, their out of the box thinking is helping them. So हमेशा education ज़रूरी नहीं होता, in the sense अच्छा college से लेना या नहीं, you know, getting it. For me, getting into a good college is a mixture of luck and marks, getting both, because I scored 85-86 in my exams, but there are certain colleges जहाँ पे आपको 95 score करना है,
कि आप 85 ला के अच्छा नहीं कर सकते लाइफ में. यू सी आई डिड नॉट गेट एडमिशन इन टू लोरेटो सो बट आई गॉट आई कुड हैव गॉटन एडमिशन एल्सवेयर. एडमिशन इज वेरी यू नो आई यू अ कॉलेज स्टूडेंट यू नो कि क्या होता है क्या नहीं सबको स्ट्रगल करना ही पड़ता है. सो या दैट्स व्हाट आई टेल हर एट द एंड ऑफ द डे वी आर देयर टू हेल्प हर आउट ना मिल जाएगा. इट्स जस्ट यू नो आई हैव बीन सीइंग कि एजुकेशन क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स भर रहे हैं कॉलेजेस में सीट्स नहीं भर रही हैं. तो आजकल अच्छे मार्क्स भी लोग ला रहे हैं ना तो नहीं हो रहा है. यू गेटिंग दैट इज व्हाट आई टेल हर. At the end of the day, you have to struggle. We have to see how you come through. Thank you. Yeah. Your name? Mashfia Khan. Yeah, how was your paper? My paper was okay. A-shell say. I hadn't expected a lot from it because it's not one of the subjects that I'm going to count in my best four. And I don't wish to pursue this subject in the near future. So, it was okay-ish, I think. Was there any difficulty? If there was a difficulty, I think it was... on the basis of my fault because I'm not a very serious student regarding economics, so it's okay, it happens. How much do you expect? Out of an 80, I expect to get maybe a 50 or 55. Okay, that's good, huh? Okay, thank you. Best of luck for your rest of the paper. Okay, thank you so much. Hi, your name? Simran Shaw. Okay, paper kaisa gaya? Theek tha. इकोनॉमिक्स का पेपर था ना. हाँ इकोनॉमिक्स. तो कैसा लग रहा है कैसा हुआ है? अच्छा था उतना भी ख़राब नहीं था. लाइक अगर थोड़ा और पढ़ते तो 90s टच कर लेता बट देन 80s से कम नहीं आएगा 70s तो कम नहीं आएगा. ओके और लेंदी पेपर था और शॉर्ट पेपर था क्या था कैसा था? नहीं शॉर्ट था ज़्यादा लेंदी नहीं था. ओके तो 70s एक्सपेक्ट कर रहे. अगर उससे कम आता है तो क्या होगा? अगर उससे ज़्यादा आता है तो क्या होगा? कम आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे क्योंकि हम तो अपने तरफ से 100% दिए तो उतना हमको बुरा नहीं लगेगा. ओके तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय योर नेम? फिजा तनवीर. कैसा था पेपर? काइंड ऑफ हार्ड थोड़ा बहुत ठीक था. तुम अटेम्प्ट की सारा बस फाइव ही करना था. फाइव ही करना था और उसमें भी तुम कितना की? 5. तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो आउट ऑफ सिलेबस था या फिर सिलेबस में नहीं था? नहीं नहीं सब सिलेबस में था. एंड इन फैक्ट हम लोग की टीचर दी थी कुछ सजेशन वो सब वैसे ही आया था. ओके तो कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हो तुम? अबव 70 ऑफ कोर्स. 70 यस. हाय योर नेम? अन्ना मैडम. योर नेम? इब्रा इकबाल. अच्छा आज कौन सा पेपर था इकोनॉमिक्स का? तो कैसा गया पेपर? कैसा गया? ठीक था. डिफिकल्ट था. ओके तो क्या लेंदी पेपर था शॉर्ट पेपर था क्या था? लेंदी था. तो कितना फुल मार्क्स? 100 अटेंड किया या फिर 70-80 कितना अटेंड किया? पूरा 80. तो क्या एक्सपेक्ट करें कैसा मार्क्स आ सकता है मतलब कैसा एक्सपेक्टेशन है? जैसा पेपर था उस हिसाब से मार्क्स वैसा मिल जाएगा. ओके तो क्या लग रहा है ये पेपर अगर खराब हुआ एज इफ मार्क्स अगर कम हुआ तो कॉलेज में क्या लग रहा है? टेंशन हो रहा है क्या? क्या कॉलेज एडमिशन में प्रॉब्लम होगा या क्या कुछ? इसका तो इतना टेंशन नहीं है अदर ऑप्शंस हैं. ओके तो घर में कैसा माहौल है? घर में पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं कि पेपर अच्छा नहीं गया या फिर एग्जाम अच्छा नहीं आया तो बहुत टेंशन वाला हुआ है या पापा मम्मी बोल रहे कि जैसे भी दो चल जाएगा? लास्ट इंग्लिश पेपर था वो कैसा गया आप लोग का? I'm speaking to Namra Tumol. So how was your paper? It was just okay, not so good, not so bad. Okay, was there any difficulty? Yeah, the microeconomics part was a little difficult, but otherwise the macroeconomics was extremely good. Was everything in the syllabus? Yeah, everything was in the syllabus. How much marks do you expect? 70-80s, but still I'm nervous about it. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल. तो आज का हम लोग का इंटरव्यू का सेशन ये खत्म होता है. हम लोग आज बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट लोग से बात किए बहुत पॉजिटिव वाइब्स आए बट इकोनॉमिक्स के पेपर बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगा बिकॉज थोड़ा लेंदी पेपर था. बट लेट्स सी कोई बात नहीं आगे और भी बहुत सारे पेपर है और फीडबैक लेंगे. कीप सब्सक्राइबिंग अस लाइक करिए कमेंट करिए एंड फॉलो करिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.